हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू लर्न विद दुनित। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास सेकेंड की मैथ वर्कशीट। ये वर्कशीट क्लिक एंड सॉल्व वर्कशीट भी है, इससे आपको बच्चों की प्रैक्टिस लेने में ज़रूर हेल्प होगी। तो आने वाले इस एकेडमिक ईयर में टॉपिक बाय टॉपिक वर्कशीट, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स, तो ऐसे एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो वीडियो शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच शेप हैज़ मोर वर्टिसेस एंड बाय हाउ मेनी। सो यहाँ पे रेक्टेंगल एंड क्यूबॉइड, ये दो शेप्स दिए हुए हैं। बच्चों को ये शेप्स फर्स्ट आइडेंटिफाई करने हैं एंड देन बच्चों को बताना है कि ये दोनों शेप्स में कितने वर्टिसेस हैं और साथ ही में किस में ज़्यादा है। रेक्टेंगल को फोर वर्टिसेस होते हैं, 1, 2, 3, 4, एंड क्यूबॉइड को होते हैं 8, 4 + 4। दैट मीन्स क्यूबॉइड हैव मोर वर्टिसेस बाय 4। देन नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस इज अ कोन। तो यहाँ पे बच्चों को कोन आइडेंटिफाई करना है और उसे टिक करना है। तो फर्स्ट है ट्राइंगल, सेकेंड पिरामिड एंड देन थर्ड वन इज कोन। देन नेक्स्ट, हाउ मेनी फेसेस क्यूब हैव। क्यूब हैव 6 फेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द टेबल। अब इस टेबल में बच्चों को स्पीयर और क्यूबॉइड के फेसेस एंड एजेस लिखने हैं। सो स्पीयर को फेस होता है 1 एंड एजेस होते हैं 0। देन क्यूबॉइड हैव 6 फेसेस एंड 12 एजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोज्ड फिगर। तो इस क्वेश्चन में बच्चों को इन दिए हुए फिगर्स में से कौन सी फिगर क्लोज फिगर है ये फाइंड आउट करना है और उसे टिक करना है। जैसे फर्स्ट वन जो है वो ओपन फिगर है। तो ओपन फिगर हम जिसे कहते हैं कि अगर मैं इसके एक पॉइंट से स्टार्ट करूँ इसे ड्रॉ करना, तो इसे अगर मैंने कंप्लीट किया तो मैं दूसरे पॉइंट पे आती हूँ। दैट मीन्स ये एक ओपन फिगर है। जैसे इस शेप में भी, इस शेप में ये दो पॉइंट जॉइन नहीं है, तो ये एक ओपन फिगर है। देन नेक्स्ट, ये एक क्लोज फिगर है क्योंकि सारे साइड्स जॉइंड हैं। इसी तरीके से ये रेक्टेंगल भी एक क्लोज फिगर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द शेप एंड राइट देयर नेम। अब बच्चों को ये शेप्स आइडेंटिफाई करने हैं और इनके नेम्स लिखने हैं। जैसे फर्स्ट वन है सिलेंडर, सेकेंड इज क्यूबॉइड, थर्ड इज कोन, फोर्थ वन इज स्पीयर। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे बच्चों को ट्राइंगल, स्क्वेयर, लाइन और रे ये ड्रॉ करने हैं। सो ट्राइंगल ईजी है, देन स्क्वेयर, लाइन, अब दिस वन इज रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द पैटर्न गिवन बिलो। अब यहाँ पे जो पैटर्न्स दिए हुए हैं बच्चों को वो कंप्लीट करना है। फर्स्ट वन है सर्कल है और सर्कल के साथ एक डॉट है। अब ये डॉट कैसे मूव कर रहा है ये बच्चों को ध्यान देना है। तो फर्स्ट वन में डॉट है राइट हैंड साइड, सेकेंड वन में ये मूव होता है टॉप पे, देन थर्ड फिगर में ये आता है लेफ्ट हैंड साइड, फोर्थ वन में ये चला जाता है डाउन साइड। दैट मीन्स ये डॉट है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। दैट मीन्स इसकी आंसर फिगर होगी अगेन राइट हैंड साइड। देन नेक्स्ट स्क्वायर है और इस स्क्वायर के फोर पार्ट है, उसमें से फर्स्ट वन शेडेड है, सेकेंड फिगर में अपोजिट साइड का पार्ट शेडेड है, थर्ड में अगेन फर्स्ट वन, सेकेंड में अपोजिट वन। दैट मीन्स अगेन फर्स्ट पार्ट ही इसका शेडेड होगा। इस पैटर्न में सर्कल इंक्रीज हो रहे हैं बट लेयर में। जैसे यहाँ पे 2 लेयर्स है, देन नेक्स्ट पैटर्न में ये 3 लेयर हो गया एंड फोर्थ पैटर्न में 1, 2, 3, 4। दैट मीन्स आंसर फिगर में हमें ड्रॉ करनी है 5 लेयर्स। अब आएगा 5। तो ये वर्कशीट आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको बच्चों की प्रैक्टिस लेने में इस वर्कशीट से ज़रूर हेल्प होगी, तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही ऐसे ही और क्लिक एंड सॉल्व वर्कशीट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।